हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या एंड वाचिंग मी ऑन एबीपी लाइव एज वेल एज ईएनटी लाइव। आज जो मेरे साथ है ना, उन्हें शायद आप पहचान ना पाओ क्योंकि आपने बिना नजर के देखा है। मेरे साथ सुनील कुमार है जिन्होंने स्त्री 2 में सर कटा हुआ कैरेक्टर प्ले किया है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है इस टाइम। कैसे है सुनील आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसा लग रहा है सर के साथ? जी के काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। जब पहले तो आप ये बताओ कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हाउ इज द फीलिंग? बढ़िया लग रहा है मैम। जब से मूवी आई है तो काफी लोग पहचान रहे हैं, काफी लोग मिलने के लिए आते हैं, फोन पे बात करते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स हैं काफी सारे लोग मैम प्यार दे रहे हैं मूवी के लिए, तो सबका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। अच्छा, आपको लोग खली 2.0 भी कह रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? खली तो मैम जब से मेरी हाइट 7.5 फुट की है तो बड़ी देर से मैम कहते हैं खली, तो अच्छा लगता है, अभी कोई टेंशन नहीं। अच्छा, वैसे आप ये बताओ, आप इतनी सारी स्त्री से रियलिटी में लड़ सकते हो? बिल्कुल मैम, बिल्कुल लड़ सकते हो। अच्छा, अगर मैं स्त्री 2 की बात करूं तो आप इसका पार्ट आप कैसे बने? स्त्री 2 का मैम मुझे स्त्री 2 की टीम से मैम मेरे को कॉल आया था मूवी के 7-8 महीने पहले। मेरे से कांटेक्ट हुआ था उनका। तो जब मूवी स्टार्ट होनी थी, शूट स्टार्ट होना था मूवी का, तो उसके 1 महीना पहले मेरे को बॉम्बे बुलाया था। अमर कौशिक सर से मेरी मीटिंग हुई थी मैम, तो वहीं पर उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने बोला कि इतनी आपकी हाइट का बंदा चाहिए था हमें, तो काफी देर से आपसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं से मेरी सिलेक्शन हुई थी मूवी के लिए। अच्छा, और जब ये पता लगा कि सिलेक्शन हो गई है लेकिन फेस नहीं दिखेगा, तो फिर कैसा लगा? पहले मैंने कल्कि मूवी किया तो उसमें भी मैंने अमिताभ सर का बॉडी डबल किया था, तो उसमें फेस अमिताभ सर का था और बॉडी मेरी थी। तो तभी मैम मेरे फ्रेंड्स जो मुझे बोलते थे कि आपकी मूवी आई है कल्कि, तो यार कुछ पता नहीं चलता इसमें कि आप हो या नहीं हो। तो इसमें भी जब इन्होंने बोला था कि आपका इसमें सर नहीं होगा, तो मैंने सोचा वैसा ही होगा जैसे पहले कल्कि मूवी आई। तो इसमें मैम काफी अभी आप देख रहे हो कि मीडिया की तरफ से और इंस्टाग्राम में, फेसबुक में हर जगह नाम आ रहा, तो इससे काफी अच्छा लग रहा है मैम। बिल्कुल, आप क्योंकि मेन कैरेक्टर थे। अच्छा, सेट की अगर मैं बात करूं स्त्री 2 के, तो सेट पे सबसे ज्यादा मजेदार कौन था स्त्री 2 के सेट? सबसे मजेदार, सबसे फनी मोमेंट थी मैम जब पंकज सर आते थे सेट पे, तो वो काफी कॉमेडी वाले, थोड़ी ऐसे बातें भी करते थे, तो काफी अच्छा लगता था मैम जब उनके साथ होते थे। अच्छा, और जो स्त्री हैं भूमि राजगोर, उनसे आपकी बातचीत है कैसी है? क्योंकि ऑन स्क्रीन तो हमने लड़ते हुए देखा है बहुत बुरी तरीके से। जी मैम, बढ़िया नेचर था उनका, उनके साथ मिला था मैं, तो अच्छा लगा था मैम मिलकर उनसे। अच्छा, वैसे आप रेसलर हो आई गेस, राइट? जी मैम, मैं JNK पुलिस में काम करता हूँ, तो वहीं से मैं रेसलिंग की एक दिल्ली की कंपनी है FFW की, तो उनके साथ जुड़ा था मैं 2013 में मैम। तो वहीं से जो मूवी से कॉल आते थे उनको कि इस साइड का बंदा चाहिए, तो बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा चाहिए, तो फिर मैम वहीं से वो हमारी प्रोफाइल भेजते थे आगे, तो वहीं से सिलेक्शन होती थी। अच्छा, अभी का क्या सीन है? अभी किसी और प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो हमें? मैम अभी मेरी नेक्स्ट मंथ में मूवी आएगी, साउथ की मूवी है, फॉरेस्ट मूवी आएगी। अच्छा, तो उसमें फेस भी है, सब कुछ दिखा, पूरा दिखाया मैम, फेस पोस्ट भी दिखाया उसमें। तो उसमें नेगेटिव कैरेक्टर में, पॉजिटिव में मैम उसमें विलन का रोल किया मैम। ओह जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, वैसे आप बॉलीवुड के फैन हो, मतलब मूवीज वगैरह देखते हो? हां, मूवी देखता हूं मैम। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? एक्टर मैम फेवरेट मैं सलमान सर की मूवी ज्यादा देखता हूं। ओके, अच्छा, वो तो मुझे देख के आपको लग रहा है कि आप सलमान सर की मूवी ज्यादा ही देखते हो। बाकी सुनील, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपको इतना अच्छा फैंस की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और आपने इनफैक्ट बहुत अच्छे से हमें सबको डराया भी है, काफी ज्यादा हॉरर अच्छा आपने प्ले करा है, तो बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.